एक्शन मूवी से तो हमारी बहुत ही पुराना रिश्ता है। वो कौन सी जुंद्रा वाली मूवी थी जिसे हमारी मूवी देखने का एक्सपेक्टेशन एक अलग ही लेवल पे चला गया था। बेशक एक्शन मूवीज़ का होना कोई शक की गुंजाइश नहीं, तो इसलिए आज हम बेस्ट एक्शन मूवीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो बहुत ही ब्रोटेड और रेटेड और एदर भी है। तो इसलिए वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहना, क्योंकि आपकी फेवरेट मूवी मिस हो सकता है और ये मूवीज़ आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। और इन मूवीज़ को कहाँ देखना चाहिए ये भी हम इस वीडियो के अंदर पता लगाएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2012 की यूनिवर्सल सोल्जर डे ऑफ रेकोनिंग। तो इस मूवी के अंदर एक बंदे की कहानी देखने को मिलता है। अब ये बंदा एक फैमिली वाला होता है और इनकी फैमिली को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से और पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जिसकी बात उसके पास एक ही लक्ष्य होता है, बदला। और ये बदला बहुत ही खतरा होने वाला है। और मूवी हिंदी पे अवेलेबल है और एक 18 प्लस मूवी भी है। 5.0 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 8 वाली मूवी है 2008 की पनिशर वॉर जोन। अब ये कहानी पनिशर की है। पनिशर वो बंदा होता है जो बुरे लोगों का खात्मा करता है और इसी काम पे उसकी हाथों से एक अच्छा इंसान मारा जाता है, जिसकी बात उसकी फैमिली का जिम्मेदार उसके ऊपर आ जाता है। और मूवी के अंदर बहुत ही ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है और मूवी हिंदी पे भी देखने को मिल जाएगा। 5.9 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 7 वाली मूवी है 2019 की रेम्बो लास्ट ब्लड। तो ये कहानी रेम्बो की है और आप रेम्बो किसी कोने में अपने ज़िंदगी शांति से बिताने लगा है। और कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब रेम्बो की बेटी को कुछ लोग मार देता है, तब रेम्बो का दिमाग पूरी तरह से सतर्क जाता है, जिसके बाद रेम्बो एक्शन वाले अवतार में आता है। और मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.1 की IMDb रेटिंग दी है और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है 2014 की 3 Days to Kill। तो इस मूवी के अंदर एक बंदे की कहानी दिखाया है जिसका काम ही होता है लोगों को मारना, और अब वो बीमार से जूझता हुआ वो अपनी बेटी का साथ वक्त बिताना चाहता है, पर उसके किस्मत उससे खून खराबी वाली दुनिया से बाहर निकलने ही नहीं देता। मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.2 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को आसानी से MX प्लेयर ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है 2021 की केट। मूवी के अंदर केट नाम के एक ऐसा सीन की कहानी देखने को मिलता है जो अपने काम से आज़ाद होना चाहता है। इसके लिए उसे एक आखिरी काम करना होता है, पर यह काम उसे आज़ादी दिलाएगा या उसी दुनिया में फंसा के रख देगा, ये काफ़ी दिलचस्प कहानी होने वाला है। मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.2 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। एक निंजा को समुराई बनने के लिए किस रास्ते से गुजरना पड़ता है ये बात होश उड़ा देता है। 2009 की निंजा असासिन। तो ये कहानी निंजास की है जो बहुत ही गुप्त होता है। जब हमारे हीरो को ये बात समझने लगता है कि उनकी ट्रेनिंग गलत मकसद के लिए होता है, तब वो उस दुनिया को ही छोड़ देता है, पर उनकी किस्मत उसके पीछा करना कभी नहीं छोड़ता और आगे जो होता है वो तो देखने का लायक है। मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.3 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2019 की एवेंज मैन। तो इस मूवी के अंदर एक बंदे की कहानी देखने को मिलता है जो जेल से फरार हो जाता है। जेल से फरार होने का उसका एक ही मकसद होता है, बदला। और बदला उन लोगों से है जिसकी बदौलत उसकी ज़िंदगी जेल पे 7 साल तक बर्बाद हो चुका था। मूवी के अंदर पूरी तरह से ब्रोटेड एक्शन देखने को मिल
मिल जाएगा और मूवी हिंदी पे भी देखने को मिल जाएगा। 6.6 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली मूवी है 2017 की द हिटमैन बॉडीगार्ड। तो ये कहानी एक क्रिमिनल और एक बॉडीगार्ड की है। अब इस बॉडीगार्ड को उस क्रिमिनल को सही सलामत तक कोर्ट में पहुंचाना है, पर ये रास्ता उन दोनों के लिए कितना खतरनाक चुनौती से भरा होने वाला है, ये काफ़ी दिलचस्प कहानी होने वाला है। मूवी के अंदर पूरी तरह से एक्शन और कॉमेडी भरपूर देखने को मिल जाएगा। मूवी हिंदी पे भी देखने को मिल जाएगा। 6.9 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे Amazon प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 1 वाली मूवी है 2021 की Nobody। तो ये मूवी जॉन विक मूवी सीरीज का एक स्पिन ऑफ मूवी है, जिसमें एक बंदी की कहानी देखने को मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहा होता है। और ये मूवी तब शुरू होता है और इस मूवी के अंदर तब ट्विस्ट आता है जब उनके घर पे दो चोर घुस आता है। उसके बाद तो मूवी पूरी तरह से ही पलक जाता है और मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 7.4 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे बुक माय शो वाली ऐप पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, और हम फिर से जल्द ही एक नए एपिसोड और नई वीडियो पे मिलेंगे।